जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? शायान मुतशब, वालेकुम सलाम बेटा। रजा, वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई सब लोग? दुआ, वालेकुम सलाम। इल्मा, वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो सब? हल्की आ रही है आवाज, अब चेक करो, अब आवाज सही आ रही है बेटा। दुआ, आप ठीक है? आवाज शायद आई एम वेल बेटा। ठीक है ना भाई? अहमद, वालेकुम सलाम बेटा। बस मैं 2 मिनट में क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना? मैं 2 मिनट में क्लास को स्टार्ट करता हूँ, बस क्लास में डेकोरम पूरा हो जाए, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लीजिए। अहमद, बिल्कुल सिखा दूंगा मेरे बेटा, मसले वाली बात नहीं है। तो रिवाइज कर लो, लास्ट क्लास में हमने कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन कंप्यूट करना सीखा था और एक सवाल हमने इसको प्रूव भी किया था, ठीक है? बस मैं 2 मिनट में क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है ना? 5:15 पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं निशा वॉइस को कुछ करता हूँ, दुआ दोबारा मुझे बेटा टेक्स्ट कर देना। असल में फ्लो ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते हैं ना, क्योंकि 3 बैचेस हैं, सितंबर वालों का बैच भी है, एक सीएसएस वालों का बैच भी है, और फिर तुम लोगों का भी है, तो फ्लो ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो फिर वो मुझसे मिस हो जाती है, ठीक है ना? रजा, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। तो दुआ, कोई मसला नहीं बेटा, तो मुझे दोबारा टैक्स कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक मिनट में क्लास को स्टार्ट कर देना कि बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें हमें, ठीक है ना? तब तक रिवाइज कर लीजिए अपने पास सारी चीजें जो जो हमने अब तक पढ़ी है। पहले मैं सवालात करूंगा, आपके कॉन्सेप्ट चेक करूंगा, फिर आगे मूव ऑन करेंगे भी। सिनिहा, स्कैटर डायग्राम के सवाल थ्योरी में आ सकते हैं, कि वो पूछ सकता है कि अगर एक्स और वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेम प्रोपोर्शन पर है। पहला सवाल में क्या कह रहा है सिनिहा एमसीक्यू में, कि एक्स और वाई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेम प्रोपोर्शन है, तो उनके बीच जो कोरिलेशन होगा, जो रिलेशन होगा, वो कैसा होगा? ऑप्शन में दे देगा परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमें पता है क्योंकि ग्राफ आपका अपवर्ड स्लोपिंग पर है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेम प्रोपोर्शन भी है, तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा। अच्छा सर, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और तब भी सेम प्रोपोर्शन होता है, फिर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ और सेम प्रोपोर्शन हुआ तो? हाँ भाई, कौन सा रिलेशन होगा? परफेक्ट नेगेटिव, वेरी गुड। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पे आ जाएगा। हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल से ये पहचाना, ऐसा एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो दूसरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। बस इस तरह से थ्योरी के सवाल आते हैं स्कैटर डायग्राम के ऊपर, ठीक होती है बात? जी दुआ बताओ, मैं आपका माइक म्यूट अनम्यूट करूं, दुआ बात करोगी? हैंड रेस करो दुआ। नहीं, स्कैटर डायग्राम के कोई कैलकुलेशन कैलकुलेटर बेस्ड नहीं आते, थ्योरी के बेस्ड पे आते हैं।
जबरदस्त बेटा जबरदस्त, ठीक है। फिर भी कोई मसला हो तो मुझे बताओ, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, क्लास में बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में अराउंड कोई कैलकुलेटर से बिल्कुल सिखाता हूँ बेटा आयान, बिल्कुल आज की क्लास में कैलकुलेटर की ट्रिक पे सिखा दूंगा सीओसी की, ठीक होता रहा। अच्छा सर, बिल्कुल स्ट्रेंथ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताऊंगा। वो बुक का जो पॉइंट है वो मुझे सेंड करना बेटा, ठीक है। मुझे बुक की पिक्चर आप जो कह रही है उसको मुझे सेंड करना, उसको देख लूंगा मैं, ठीक है। चलो जी, पेपर कैसे आता है? पेपर पैटर्न बेटा बिल्कुल डिस्कस करा था मैंने स्टार्टिंग में नंबर। उस्मान फिर थोड़ा सा वेट करो बेटा, क्योंकि बाकी सारे बच्चों को कनेक्टेड लेके चल रहे हैं ना, फिर मैं तुम्हें क्लास के एंड पे 15 मिनट्स में तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा यू इन टू ई वाला, ठीक है। मुझे थोड़ा सा बस आगे मूव ऑन करने दो। चलो जी सर, मैं आपको एक एक चीज शो करता हूँ मिसाल के तौर के ऊपर। अब प्लीज मैं किसी का कमेंट नहीं ले रहा हूँ, सब मेरे साथ रहो, ठीक है ना। हमने ये लास्ट सवाल सॉल्व किया था, ठीक है। अब ये लास्ट सवाल हमने सॉल्व किया था तो इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आई थी 0.866। अब सर ये 0.866 आ तो गई, लेकिन ये कोरिलेशन हमें क्या बता रहा है? चले उसमें तो हमें चले पॉजिटिव तो है, हमने ये तो पहचान लिया कि सर ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन पॉजिटिव कोरिलेशन में कोई स्ट्रेंथ वगैरह होगी कि क्या स्ट्रेंथ होगी? तो एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वो मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ, आप लोग जरा कॉपी करिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करनी है, आप लोग जरा कॉपी करिएगा उसको। मोदाशिफ वेरी गुड, ये रही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जरा इस रेंज को कॉपी करिएगा अपने पास और फिर हम इस रेंज के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे सर कि हाँ ये परफेक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या क्या हो सकता है। इसको जरा कॉपी करो अपने पास, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो मैंने आपको लिख के दिया हुआ और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू गिवन है। और फिर मुझे बताओ सर सवाल के अंदर क्या स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है या वीक कोरिलेशन है। मिर्जा बेटा मेरे पास तो आवाज का सारा सेटअप जो है बिल्कुल सही चल रहा है, आवाज का मेरे पास सारा सेटअप तो बिल्कुल सही चल रहा है बेटा, अपने पास चेक कर लो। वीक रिलेशन नहीं है दुआ, चेक करो 0.8 से बड़ी है वैल्यू, तो 0.82 ± 1 तो स्ट्रॉन्ग है ऐसा। तो कोरिलेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ठीक है। इफ्तिशम थोड़ा सा एडजस्ट करो मेरा बेटा आवाज को ना, अपने पास हैंड फ्री लगा लो या हैंडसेट कोई है तो लगा लो। मेरे बच्चों क्लियर है बात? स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कैसे पता चला? पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है क्योंकि आंसर तुम्हारा पॉजिटिव में आ रहा है। अगर यही नेगेटिव होता तो नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होता, अगर ये होता तुम्हारे पास -0.866। बिल्कुल आयान, बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों। मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? सब साथ है मेरे, एक और सवाल सॉल्व करें। परफेक्ट का पता कैसे चलेगा? जब वन होगा, जब इक्वल्स टू वन होगा। साफ है, दोबारा बताता हूं बेटा, मैं दोबारा बताता हूं। देखो हारिस, परफेक्ट तब होगा, वो पॉजिटिव तब होगा जब तुम्हारे पास आंसर में पॉजिटिव साइन हो, और नेगेटिव कब होगा? जब आंसर में तुम्हारे पास नेगेटिव साइन हो। हमारे पास यहाँ पर आंसर में क्या था? पॉजिटिव 0.866 था, दैट मीन्स पॉजिटिव रिलेशन है।
अब हमने इसकी डिग्री मेजर करनी है सर, कि ये डिग्री पॉजिटिव पे होगी या नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव तो पता चल गया, पॉजिटिव कैसे है क्योंकि तुम्हारे पास आंसर जो है वो 0.866 है, मतलब पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव तो है, लेकिन पॉजिटिव में उसकी स्ट्रेंथ क्या है तो वो तुम्हें बताएंगे। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें ये तुम्हें बताएंगे स्ट्रेंथ। मुझे बताओ सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या लिखी हुई है, कि अगर लिखा हुआ है कि 0.82 पॉजिटिव वन या 0.82 नेगेटिव वन, दोनों में तुम्हारी कोरिलेशन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। तो यहां तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर 0.866 किस रेंज में फॉल करता है, पहली वाली में दूसरी वाली में? हाँ बिल्कुल, हाँ भाई, यहां पर तुम्हारा साइन किस वाली रेंज में फॉल करता है, पहली वाली में या दूसरी वाली में? फर्स्ट वाली में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पास आंसर जो है वो पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो फिर ये वाली चीज एलिमिनेट हो गई, और विद रिस्पेक्ट टू 0.82 पॉजिटिव वन तुम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कंप्यूट करोगे, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग। हाँ लेकिन रापे फिर वो नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होता, अगर किसी की -0.82 -1 होती तो उसके लिहाज से वो होता नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, ठीक है ना। अच्छा परफेक्ट कब होगा, परफेक्ट कब होगा, जब परफेक्ट होगा 1 पर, ये परफेक्ट कोरिलेशन है 1 पे, ठीक है। लेकिन वो 0.8 से कम है, होल नंबर में नहीं आ सकता, डेसिमल्स में ही आएगा, मैक्सिमम 1 आएगा आंसर। तो फिर सुफियान बेटा मैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कंप्यूट करता, लिखा हुआ है ना ये मैंने, अगर ये होता है -0.82 -1 तो नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कंप्यूट करता मैं, फिर नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बोलता मैं। भाई परहीन ये चेक करो ना, अगर 0.8 हुआ एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट 0.8 हुआ तो फिर मैं स्ट्रॉन्ग में लिखूंगा, अगर पॉजिटिव 1 और -1 होता है, अगर पॉजिटिव 1 हुआ तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा और नेगेटिव 1 हुआ तो परफेक्ट नेगेटिव होगा। सही है, जी मेरे बच्चों, किसी को मुझसे बात करनी है तो मैं उसका माइक अनम्यूट कर सकता हूं। सब साथ है मेरे, किसी को कोई मसला? अयान क्या रिपीट कर दूं मेरा बेटा, क्या रिपीट कर दूं? तो अहमद मैं चेक कर लूंगा ना कि 0.8 के बाद डेसिमल्स में क्या आंसर आ रहा है, अहमद मैं चेक कर लूंगा 0.8 के बाद डेसिमल्स में क्या आंसर आ रहा है, सही है, फिर उसी उसकी बेसिस के ऊपर डिसाइड करूंगा कि स्ट्रॉन्ग में डालना है या मॉडरेट में डालना है। अगर एग्जैक्ट 0.8 हुआ तो फिर मैं मॉडरेट किसी में भी रख सकता हूँ, इन डिफरेंस होगा मैं मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग के बीच में, तो फिर मैं स्ट्रॉन्ग में रख सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग में रखूंगा। मेरे बच्चों सब मेरे साथ हैं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, एक सवाल सॉल्व करें। चलो जी आ जाओ भाई, अहमद रफीक साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है हमें, 0.78 मॉडरेट में आएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल आयशा। क्वेश्चन नंबर 2 अपने हैंडआउट का मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ, ये लीजिए, इसके 3 ऑप्शंस हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। आप लोग मेरे बच्चों एक काम करो, जरा तीनों चीजें खुद से सॉल्व करो, तीनों चीजें जरा खुद से सॉल्व करो, ये तो मैनुअली करो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता बात कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो।
मैन्युअली करो, ये कैलकुलेटर से कर लो, कैलकुलेटर से तुम लोगों को अब आ गया है एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स निकालना, और ये भी मैन्युअली करो। शाबाश, 5 मिनट दे रहा हूँ, इस सवाल को सुकून से सॉल्व करो। अपने पास प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स का रजिस्टर चेक करता हूँ, जिस दिन तुम्हारी फिजिकल क्लास हुई मैं उसी दिन रजिस्टर चेक करूंगा तुम लोगों का, ठीक है? तो प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए, साफ सुथरा फेयर काम होना चाहिए, कि अगर एक महीने बाद रिवाइज करने बैठो तो तुम्हें पता हो कि हाँ भाई क्या चल रहा था क्लास में। शाबाश, 5 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व करें खुद से और फिर इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। 10 मिनट दे देता हूँ दुआ, बस और बोले नहीं सिनी, हाँ बेटा कोई मसला किया है दोबारा चेक करो तुम्हारा आंसर, बल्कि नहीं सही है सिनेहा, सही है, वेरी गुड। मैं 10 मिनट देता हूँ, 10 मिनट, इस बीच में अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग को सुकून सॉल्व करें, मैं किसी का कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा, ठीक है? और फिर 10 मिनट बाद इस सवाल को डिस्कस करते हैं। शाबाश, उन्हें पर कौन सी एक्स की वैल्यू बेटा? सुनिए, वेरी गुड, ओके, लेट ज्वाइन हुआ, कोई मसला नहीं है बेटा, बस डायरेक्ट तुम कोफिशिएंट्स निकाल लेने, तुमने एक्स और वाई और वाई और एक्स में सिर्फ कोफिशिएंट निकालने हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब बी और डी की वैल्यू निकालनी है बस। नहीं नहीं पुट नहीं करेंगे मुनव्वर, पुट थोड़ी करेंगे, पर बी और डी की वैल्यू निकाल लेनी है, कोफिशिएंट्स मांग रहा है। हाँ पार्ट ए में कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पार्ट ए में नेगेटिव आ रहा होगा। ओके रिजवान,
तो कैलकुलेटर चेंज नहीं किया बच्चे तुमने? नेगेटिव वीक इल्मा, वेरी गुड। मैं करवाऊं? ओके ओके सुफियान, कोई मसला नहीं, रिजवान सिटीजन का ले लो। हाँ इल्मा, वो ऊपर वाले माइनस में आ रहा होगा, नीचे वाले में उसमें आ रहा होगा, ऐसा ना? हाँ पॉजिटिव आ रहा होगा, लिख दो नॉट वेरीफाइड। भाई मैं करवाऊं? अच्छा पार्ट ए में कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कंप्यूट करके दें, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कंप्यूट करने का फॉर्मूला क्या था के एन? हाँ इल्मा नॉट वेरीफाइड लिखने बेटा, एन सबमिशन ऑफ एक्स वाई माइनस सबमिशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सबमिशन ऑफ वाई ओवर जी आयान अंडर रूट ऑफ n submission of x square minus submission of x का whole square multiply का साइन डालिएगा, n submission of y square minus submission of y का whole square। तो मुझे जरा बताइएगा कि n कितना है आपके पास, n कितना है मेरे बच्चों? 8। ओके इल्मा, 8 multiply by submission of x y कितना आ रहा है? हाँ बिल्कुल यार, माइनस का आ रहा होगा, सबमिशन ऑफ एक्स आएगा। सही है दुआ, दोनों नेगेटिव आ रहे होंगे। 36 माइनस सबमिशन ऑफ एक्स कितना है? 23 मल्टीप्लाई बाय सबमिशन ऑफ वाई 16 ओवर अंडर रूट ऑफ एन सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 99 माइनस सबमिशन ऑफ एक्स मतलब 23 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन डालिएगा, और एन सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है? 68 माइनस सबमिशन ऑफ वाई का मतलब 16 का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो वैल्यू बनती होगी, बनती होगी माइनस 0.29 माइनस 0.2906। तो दैट्स मींस सर माइनस है तो नेगेटिव हो गई, माइनस है तो नेगेटिव हो गई। चेक करो डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिहाज से, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिहाज से ये किस में फॉल करती है? तो नेगेटिव वीक कोरिलेशन हो गई ऐसा। कोई ये तो नहीं कह रहा कि सर ये पॉजिटिव वीक है, नेगेटिव वीक ही सब कह रहे हैं जी मेरे बच्चों, सब मेरे साथ हो। अच्छा पार्ट बी, पार्ट ए था, पार्ट बी आप लोगों ने बाय कैलकुलेटर सॉल्व किया होगा, पार्ट बी आपने बाय कैलकुलेटर सॉल्व किया होगा। मुझे बताओ रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x मतलब b x y कितना बन रहा है? रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x कितना बन रहा है? माइनस 0.277। इल्मा इक्वेशन तो बनानी ही नहीं है ना, सिर्फ रिग्रेशन कोफिशिएंट मांग रहा है। हाँ तो बेटा तुमने मल्टीप्लाई का साइन ही डाला होगा, मल्टीप्लाई का साइन डालो यहाँ बीच में, और रिग्रेशन कोफिशिएंट बाय ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स कितना बन रहा है? हाँ तो बेटा तुमने कोई मल्टीप्लाई का साइन डाला होगा, माइनस माइनस 3.037। मुझे बताओ बी की वैल्यू क्या आ रही है, छोड़ दो बी की वैल्यू क्या है, ऊपर वाली नीचे वाली, बी की वैल्यू कौन सी है? बी की वैल्यू नीचे वाली है,
सर ऊपर वाली है, ये क्या हो रहा है? नीचे वाली बी की वैल्यू है भाई। एक चीज बोलो मेरे बच्चों, मैं डिसाइड करता हूं। तुम्हारे पास जो बी की वैल्यू होगी वो -0.304 होगी, और ऊपर वाली तुम्हारे पास डी की वैल्यू है 0.277। नीचे वाली बी की वैल्यू है, ऊपर वाली डी की वैल्यू है, सही है भाई? ऊपर वाली डी की वैल्यू, नीचे वाली बी की वैल्यू है। अच्छा ठीक है। अब सर अगर पार्ट सी सॉल्व करता हूं मैं, दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाय डी, तो कितना बनता है ये? हाँ, वाई ऑन एक्स में बी होता है, तो पहली वाली वाई ऑन एक्स है और फिर ये एक्स ऑन वाई है। हाँ तो वही तो लिखा है खुजैमा, ये चेक करो ना, क्या कर रहे हो मेरे बेटा। तो -0.304 और -0.277, तो कितनी बनती है आर की वैल्यू? यहाँ से वैल्यू 0. हाँ बेटा क्या बनती है? 0.29291। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आ रहा है, पॉजिटिव आ रही है ये, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आ रहा है, तो क्या लिख दूंगा मैं? नॉट वेरीफाइड। ऐसा सेट होती है बात? क्या सब मेरे साथ हैं? अच्छा देखो मैं तुम लोग को एक चीज और बताऊं, एक चीज और सिखाऊं, कंफ्यूज तो नहीं होगे? एक चीज मैं और सिखाऊं, इल्मा ग्रुप आज या कल में बन जाएगा बेटा। नेगेटिव रूट में नहीं आता, पार्ट बी समझ नहीं आया भाई। पार्ट बी तो कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे ना मेरा बेटा, आप लोग कैलकुलेटर सॉल्व करना नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? क्योंकि रजा ये नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव आया, तो वेरीफाई कहाँ हुआ? सही तो है मुनव्वर? हाँ तो स्नेहा उसने वेरीफाई करने को बोला है ना, उसने वेरीफाई करने को बोला, तो मैंने दोनों का बी और डी निकाल के रूट ले लिया। नेगेटिव आ रहा था तो अल्ताफ जाहिर सी बात है बेटा, फिर मैं पॉजिटिव वेरीफाइड लिखता ना। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव वीक हुआ नंबर ये नीचे वाला। हाँ दोनों वेरीफाई तब होंगे जब दोनों सेम होंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर साइंस भी। क्यों नहीं हो रहा हारिस? अरे तो बेटा ये तो बचपन में 5th क्लास में सिखाया जा कि अगर दो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको पॉजिटिव कर देना। बिल्कुल मुनव्वर, हाँ तो अली बेटा ये पिछली क्लास लेनी चाहिए थी ना, लाजमी रिकॉर्डेड चेक कर लेते यार उसको। क्लास मिस मत किया करो, मेरी सारी क्लासेस ना एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। आज की क्लास की बेस लास्ट क्लास की वजह से चल रही थी। अभी आप लोग जितने परेशान घूम रहे हो ना, तो वो लास्ट क्लास देख लेते हो बेहतर थी।
अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करें मेरे बच्चों। चलो जी आ जाओ फिर मैं एक दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ, आप दोस्तों करिएगा सब मिलकर, मजा आ रहा है। ओके शाबाश, अब कंप्यूट करें खुद से, अब कंप्यूट करें खुद से। अरे यार सुफियान पीछे क्यों हो, साथ साथ रहा करो भाई मेरे, देख लो सेट है। चलो भाई शाबाश सॉल्व करो। बिल्कुल यार, अंडर रूट बी इनटू डी वाला फॉर्मूला रहेगा। मैं करवाता हूँ नहीं, भाई मैं सॉल्व करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ। अब प्लीज मेरे सामने इधर देखो सब मेरे साथ, पहली इक्वेशन क्या है x ऑन y की, x ऑन y की पहली इक्वेशन क्या है, इक्वेशन होती क्या है, x is equal to c plus dy, ये इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन यहाँ किस तरह से ड्राफ्ट हुई हुई है, ऐसे ड्राफ्ट हुई हुई है। तो अगर मैं इसको 5x minus 4y plus 2 को equal to 0 को मैं इन टर्म्स ऑफ दिस ड्राफ्ट करता हूँ तो कैसे करूंगा, फिर मैं बाकी सारी वैल्यूज को इज इक्वल टू की उस तरफ शिफ्ट करा दूंगा, तो 5x इज इक्वल टू 4y माइनस का 2 और x इज इक्वल टू 4 ओवर 5y माइनस 2 ओवर 5। तो मेरे बच्चों यहां पे d की वैल्यू कितनी आई, यहां से d की वैल्यू यहां से कितनी बनती है, हाँ बेटा D की वैल्यू कितनी बनती है 4 ओवर 5। इसको मैंने इस इक्वेशन को इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा लिया, ठीक है ना। तो दूसरी तो मैं y ऑन x की, मैंने y ऑन x की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इक्वेशन तो मैं गिवन गया सवाल में, x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। इन टर्म्स ऑफ y मैंने ड्राफ्ट करना है तो ये हो जाएगी 5y इज इक्वल टू 3 प्लस x
ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू 3/5 प्लस x ओवर 5। तो यहां से मेरे बच्चों, यहां से b की वैल्यू कितनी बनती है, 1/5। शायान बिल्कुल, वेरी गुड, क्या बात समझ में आई? फरीन मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अपने पास एक नोट लिखो, नोट, इंपॉर्टेंट बात है थ्योरी का पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरी का, सुन रहे हो, इंपॉर्टेंट थ्योरी का पॉइंट है क्या सर, कि बी एंड डी बोथ हैव ऑलवेज सेम साइन, बी और डी की हमेशा साइन सेम होगा, वैल्यू चेंज होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन उनका हमेशा हर कंडीशन हर सवाल में सेम होगा। तो क्या इस सवाल में बी और डी की साइन सेम है? यस सर, ये थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा, ठीक है सर। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी इंटू डी। तो मेरा बेटा साइंस मींस प्लस माइनस, तो 4/5 और 1/5 मल्टीप्लाई, बताओ कितना बनता है, आर इज इक्वल टू कितना बनता है मेरे बच्चों, 0.4। दैट मींस डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिहाज से पॉजिटिव, और क्या हुआ ये, मॉडरेट में फॉल कर रहा है, किस में फॉल कर रहा है, वीक में फॉल कर रहा है, आयान कह रहा है, मैं खुद चेक कर लेता हूं भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है, 0.4 यहां फॉल कर रहा है भाई, वीक में फॉल कर रहा है भाई, रिपीट कर देता हूं सनीहा, तो पॉजिटिव वीक, ठीक है सनीहा बेटा, ऐसे आई, इधर देखो, मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन थी ना, ये वाली, और सवाल में एक्स वाई और एक्स ऑन वाई गिवन था, और सवाल में एक्स ऑन वाई की इक्वेशन दी हुई थी ऐसी, तो मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स ड्राफ्ट किया, कि एक्स को मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया और वाई को इंडिपेंडेंट बनाया, तो फिर मैंने देख लिया कि सर डी की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि डी की वैल्यू वाई के साथ कनेक्टेड थी ना, तो दैट्स मीन कि वाई के साथ जो यहाँ कनेक्टेड वैल्यू होगी वो डी की होगी, इसीलिए मैंने उसको ले लिया, सही है सिनिया? सब साथ है मेरे, मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूं, किसी को कोई मसला है तो मुझे बताओ, जी रिजवान, क्या समझ नहीं आया मेरा बेटा, रिजवान रिजवान लास्ट क्लास ली थी, बी ऑनेस्ट, लास्ट क्लास ली थी मेरा बेटा, फिर क्या समझ नहीं आया, बताओ बताओ क्या समझ नहीं आया बेटा, तुमसे कह रहा है कि y x on y की इक्वेशन है ये, और y on x की इक्वेशन है ये, कौन सा रूल, ये वो वीक वाला, डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाला, ये लो, ये रहा, ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है डन, चलो भाई आ जाओ मेरे बच्चों, फिर आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं।
और ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर रास्ते में बस बिल्कुल पहुंचने वाला है, ये आ गया। ओके, तो एक काम करते हैं मेरा बेटा, इस सवाल को छोटा करते हैं वापस, नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज ब्रेक करते हैं और नमाज ब्रेक करते हैं टिल 6 तक। अपनी क्लास कब तक है? 7 तक है ना? बस ठीक है, नमाज ब्रेक करते हैं टिल 6 तक। जल्दी से जाइए, नमाज पढ़ के आइए और मेरे लिए भी दुआ करिएगा, मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ, ठीक है ना? चलो नमाज के बाद मिलते हैं।
बेटा फ्राइडे को भी एआरटीटी की ऑफिस टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 7-8 बजे तक होती है, ठीक है ना। बुक में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है सिनिया, वो आप लोग खुद करेंगे। बुक में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है स्टडी टेक्स्ट में, वो खुद से करने हैं आप लोगों ने। सैटरडे को ऑफ नहीं होगा, कल मेरी क्लास है आपके साथ आफ्टर नमाज। सैटरडे को भी ऑफ क्लासेस होंगी, सैटरडे ऑफ होगा। फोर्टीन अगस्त, सैटरडे की 14 अगस्त है, सैटरडे की 14 अगस्त है, यस। बस तो फिर 14 अगस्त की खुशी में आप लोगों को ऑफ दिया जाएगा। आई कैप में एडमिशन आप लोग ले लीजिएगा थोड़े दिनों बाद, सितंबर के स्टार्ट में ले लीजिए। हाँ बुक पीडी अब बिल्कुल से नहीं, हाँ बिल्कुल डिस्कस करो, 100 दफा डिस्कस करो, मसला नहीं है। कुछ समझ नहीं आना 100 दफा डिस्कस करो, कल नमाज के बाद होगी क्लासेस। ओके बिल्कुल मैं सेंड कर दूंगा, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आईकैप की स्पेसिफाई अलाउड कैलकुलेटर्स की डेट सेंड कर दूंगा। हाँ ये तो है बेटा, चलो खैर शाबाश, इस सवाल को सॉल्व करो। मुझे बताओ कोरिलेशन का सवाल है और 8, 9, 10 मुहर्रम की छुट्टी होगी, यानी कोरिलेशन का सवाल है और कोरिलेशन के सवाल के अंदर, कोरिलेशन का है रिग्रेशन का है ये सवाल, कोरिलेशन का है मेरे बच्चे या रिग्रेशन का है? सिनिहा कह रही है रिग्रेशन का है ये। बस तो अगर रिग्रेशन का सवाल है तो फिर रिग्रेशन के तरीके से सॉल्व करें और मुझे फटाफट से आंसर बताइएगा। रिग्रेशन का सवाल है बिल्कुल, फटाफट से सॉल्व करें, बाय कैलकुलेटर ही सॉल्व कर लें और मुझे इसका आंसर बताइए। बिल्कुल दुआ, इल्मा वेरी गुड भाई, जबरदस्त। इल्मा मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी आ रही है? इल्मा ए की वैल्यू कितनी है? बिल्कुल बायोनेक्स है, बाय डिफॉल्ट बायोनेक्स ही रखता हूँ, -1.33। ओके और बी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 4.07। तो अगर मैं रिग्रेशन इक्वेशन बनाता हूँ, दैट इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ए की जगह -1.33 प्लस 4.07 और एक्स की गिवन वैल्यू है 10, तो मेरा बेटा कितने मिलती है वाई की वैल्यू? दिलमा कितनी बनती है? -39.37। ओके जी दोस्तों, डन। नहीं सीओसी नहीं निकालना है इस सवाल में ना, सेट है आयान भाई, सबकी ये वैल्यूज आ रही हैं, सबकी ये वाली वैल्यूज आ रही हैं। अहमद तुमने कोई और वैल्यू पुट कर दी होगी, वैल्यू चेक कर लो, वैल्यूज वेरीफाई कर लो अपनी कैलकुलेटर में दोबारा से, तुमने वैल्यूज पुट करने में कोई मसला कर दिया होगा। ठीक होती है बात, मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूँ क्या? चलो भाई एक सवाल और शो करता हूँ। ओके क्वेश्चन देखो,
बेसेमल के बाद आयशा मैक्स 3 पॉइंट ले लो, 3 नंबर ले लो, डेसिमल के बाद 3 नंबर ले लो बस मैक्स। भाई सब मेरे साथ है ना, मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना, सब मेरे साथ हैं। चलो जी आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ। ये लो एक सवाल और शुरू करता हूँ। चलें जी शाबाश, सॉल्व करें। और कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन है, मैनुअली सॉल्व करें मुझे कहां से बताइए। शाबाश, कैलकुलेटर से नहीं करना, मैनुअली करना है दोस्तों। मेरे साथ साथ रहो और मैनुअली करो, आंसर बताओ। सीनिहा लीस्ट स्क्वायर मेथड रिग्रेशन मेथड को ही कहते हैं, वही है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसका सब्स्टिट्यूट नेम है लीस्ट स्क्वायर मेथड।
बच्चों समीशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है? आप लोग देख रहे हैं मैं सवाल सॉल्व करते हैं, मैं दोबारा दोबारा फॉर्मूला लिखता हूं ताकि प्रैक्टिस रहे। 8 मल्टीप्लाई बाय सबमिशन ऑफ एक्स वाई है 37560, ओके, माइनस सबमिशन ऑफ एक्स कितना है 544, सबमिशन ऑफ वाई कितना है 552, अंडर रूट ऑफ एन, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 37 भाई सब अलग अलग बता रहे हैं, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर 37028 ये है, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये है, बिल्कुल यही है, माइनस सबमिशन ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई बाय एन, सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 38132 माइनस सबमिशन ऑफ वाई का 552 का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चों आर की वैल्यू कितनी जनरेट होती है 0.6030। हाँ भाई बोलो, पॉजिटिव, हाँ भाई पॉजिटिव मॉडरेट, पॉजिटिव मॉडरेट में फॉल कर रहा है, यस सर। क्या मेरे बच्चों सबको बात क्लियर होती है? क्या सबको बात समझ में आती है? बिल्कुल अनिल, सीओसी को डिनोट करता है आर आपके पास। दुआ आगे भी इजी होगा क्यूएम, बेटा मैंने इजी बनाना आपके लिए क्यूएम। आगे भी बिल्कुल क्यूएम इजी है बेटा, बस मेरे साथ साथ रहो। हाँ बिल्कुल सिनिया, वेरी गुड, ये वो चीजें हैं जो तुम्हें थ्योरी पढ़ के पता चलेंगी बुक से। स्ट्रेंथ लिखना जरूरी नहीं है, अगर सवाल में मुझसे मांगता है अनीक तो फिर मैं लिखूंगा। बुक कहाँ से लें? चलो मैं आपको एक बुक का नाम बताता हूँ, दैट इज, हामिद हकीम, ठीक है, हामिद हकीम बुक है स्टैट्स की, रेड कलर का इसका आपके पास कवर पेज होगा, तो ये बुक का नाम है, हामिद हकीम की बुक ले लीजिए आप लोग स्टैट्स की, यही नाम है इसका बुक का ना, रेड कलर का इसका पेज होगा और ये अराउंड कोई 120 या 150 तक के बीच में होगी। हाँ मुनव्वर, ये बुक भी परचेज करनी है मेरा बेटा, मैं सिर्फ दो बुक्स आपसे परचेज करवाऊंगा, एक ये और एक थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद, बस नहीं उस्मान, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आईकेएफ के स्टडी टेक्स्ट में होंगे ना, पहले मैं अपना कंप्लीट करा दूंगा फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट करने के बाद अगर आपको बुक की प्रैक्टिस, मेरे ख्याल में जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी 2% भी, क्योंकि मैं आपको अपना मटेरियल इतना प्रोवाइड कर दूंगा कि जरूरत नहीं है। फिल्मा चले मैं साइन कर दूंगा पिक्चर, सही है बुक की। मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव ऑन करूं, सबने नाम नोट कर लिया? आपको आईकेएफ ने हार्ड कॉपी रिवोक कर दिया, अपने पास हैंड डालो दोस्तों,
सिनेहा बन जाएगा गुरु बेटा आजकल में। आरिस मुझे बच्चों ने बताए कॉमर्स बुक पॉइंट एक बुक शॉप है। कॉमर्स बुक पॉइंट से आपको मिल जाएगी या ARTT की जो बुक शॉप है वहां से मिल जाएगी। दोनों जगह से मिल जाएगी। कॉमर्स बुक पॉइंट अगर किसी को लेनी हो तो ये अपोजिट है फैजान मदीना। स्टैट्स में चैप्टर आई गेस 16 होगा 13 होगा दुआ। भाई आगे मूव ऑन करूं बस टाइम वेस्ट हो रहा है टॉपिक की तरफ मूव ऑन करना है। हाँ मुनव्वर मिल जाएगी। परीन मेरे पास अपना स्टडी मटेरियल होता है मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। ग्रुप बन जाएगा मैं आपको पहले दिन ही हैंडआउट सेंड कर दूंगा। उर्दू बाजार से ये मिल जाएगी। मेरे पास अपना हैंडआउट होता है जो कि काफी कंसाइज और कंप्लीट फॉर्म में होता है जो मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया बनाया है वही मैं यूज करता हूँ। बिल्कुल निशा आज कल में बन जाएगा ग्रुप ना। बिल्कुल सुनिया बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा भाई कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन सब मेरे साथ हैं। इल्मा बिल्कुल थ्योरी के पॉइंट्स बता देता हूं मैं और मैं बता देता हूं कि ये हामिद हकीम की बुक इसीलिए मैं आपसे मंगवा रहा हूं ताकि मैं आपसे इसमें से थ्योरी के पॉइंट्स हाईलाइट करवाऊंगा और वो पढ़वाऊंगा ठीक है ना। थ्योरी के कुछ पॉइंट्स पढ़ाते पढ़ाते जैसे मैंने अभी बी और डी के बारे में बताया आपको तो इसीलिए मैंने बताया कि थ्योरी के पॉइंट्स कुछ मैं पढ़ाते पढ़ाते डिलीवर करूंगा और कुछ मैं इन बुक से हाईलाइट करवा दूंगा आपको तो आप वो उससे पढ़ लीजिएगा ठीक है ना। फिर कोई समझ नहीं आती तो फिर आप मुझसे पूछ ले कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा सर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मेरे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बताता है वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बताता है वेरिएशन किसकी किसमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बताता है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वेरिएशन का मतलब क्या वही दो वेरिएबल्स का चेंज। बिल्कुल मोतशेफ वही दो वेरिएबल्स वेरिएशन किसके बीच में होती है दो वेरिएबल्स के बीच में होती है डिपेंडेंट टू इनडिपेंडेंट इनडिपेंडेंट टू डिपेंडेंट। हाँ सर सीओडी कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है मेरे बच्चों वेरिएशन दोनों वेरिएबल्स के चेंज की होती है डिपेंडेंट का चेंज इंडिपेंडेंट के ऊपर और इंडिपेंडेंट का चेंज डिपेंडेंट के ऊपर। आगे बढ़े सब साथ में मेरे। बिल्कुल सिनिया चलो भाई सवाल शो करता हूँ सॉल्व करिएगा।
चलो भाई शाबाश, सॉल्व करो, मुझे बताओ कितने परसेंट का चेंज आ रहा है। अब सर यहाँ पर तो पता ही नहीं चल रहा, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन वेरिएशन बताता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वेरिएशन किसकी, चेंज की, दोनों वेरिएबल्स के आपस में चेंज की वेरिएशन बताता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एक मैं करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है अहमद, आओ मैं करवाता हूँ। पहले एक्स का डेटा मैं लिख लेता हूँ अपने पास, 100, 150, 200, 300, 300, 450, इसका सम बताएगा कितना बनता है, इसका सम बताएगा कितना बनता है, 1500। y की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, 30, 35, 50, 60, 70, 85, इसका सम कितना है, 330। x और y पहले का प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 30,000, और दूसरे का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 35 × 150, 5250, 3000 ऊपर वाले का, ठीक है। थर्ड वाले का क्या बन रहा है, 10,000, फोर्थ का इल्मा, एटीन थाउजेंड, फिफ्थ का, 6th का लास्ट, बताइएगा इसका कितना बन रहा है, ठीक है। अब हर इंडिविजुअल वैल्यू को एक्स स्क्वायर करें और मुझे सम बताएगा एक्स स्क्वायर का सम कितना बनता है, टोटल सम बता दें। फोर डबल फाइव ट्रिपल जीरो, y स्क्वायर इसका सम बताइएगा, बता रहा हूँ मुनाफा बता रहा हूँ, 20350, ठीक है ना, ये वहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी, n इज इक्वल टू 6 है, थैंक यू। तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ कि सी ओ सी सबसे पहले निकालूंगा कि 6 × 9500 माइनस 1500 × 330 over under root of n summation, n multiplied by summation of x square minus summation of x ka whole square n summation of y square minus summation of y ka तो मेरे बच्चों सी ओ सी की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी बनती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू, 0.9799। ओके, तो अब मुझे सी ओ डी निकालना था, कोफिशिएंट और डिटरमिनेशन निकालना था, तो उसके लिए मैं 0.9799 क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ, मुझे बताओ कितना बनता है रिजल्टेंट आंसर, 96.02%, ऐसा मतलब इतने परसेंट का वेरिएशन आएगा, कितने परसेंट का वेरिएशन आएगा। चलो मैं जूम आउट कर रहा हूं,
शाबाश, कॉपी करो। नहीं, इसमें स्ट्रेंथ नहीं बतानी है आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, सी ओ डी को हम लोग आर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी ओ डी को हम आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरिएशन बताता है बेटा अनिक चेंज, वेरिएशन बताता है चेंज। कितने परसेंट का चेंज आ रहा है? 96.02% का चेंज आ रहा है। भाई मैं आगे बढ़ूं, सब साथ है मेरे। हाँ कैलकुलेटर की ट्रिक बताऊं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने की? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने की कैलकुलेटर की ट्रिक बताऊं? सीओसी बाय कैलकुलेटर, उठाओ अपने अपने कैलकुलेटर। वेरी गुड दुआ, वो भी मैंने सिखाई होगी है ना YouTube से। चलो भाई सर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सीओसी बाय कैलकुलेटर, मोड की प्रेस करो। अगेन स्टैट्स मोड में आओ, स्टैट्स मोड में आने के बाद ऑप्शन टू पे आओ, ए प्लस बी एक्स के ऊपर, वही पुराना प्रोसीजर। अगेन एक्स और वाई की फोटो अपेयर होगी, एक्स और वाई की फोटो में सवाल का डेटा पुट कर दो, सवाल का डेटा पुट कर दो। ये रहा सवाल, ये एक्स में पुट करो, ये वाई में पुट करो। शाबाश, पुट करो जरा। वही ए प्लस बी एक्स में आके, ऑप्शन टू में आके दोबारा एक्स में एक्स का डेटा पुट करो, वाई में वाई का डेटा पुट करो। डन करो तो बताओ। दुआ आपने कब देखी बेटा मेरी YouTube पे वीडियो? मैं ये कह रहा हूं कि मेरी ये रिग्रेशन वाली वीडियो आपने कैलकुलेटर वाली YouTube पर कब देखी? ओ वाओ सनिया, वेरी गुड, ओके ओके सही है। अच्छा जी, जब आप लोग कैलकुलेटर में जब वैल्यूज पुट कर लोगे ऑप्शन टू में ए प्लस बी एक्स में, जब वैल्यूज पुट कर लोगे तो अब प्रेस करो ए सी की। यार अभी तो मैंने बट्टा मैंने दिखाई थी ऊपर, ये लो। तो जब वैल्यूज पुट कर दो एक्स वाई की तो प्रेस करो ए सी की, फिर शिफ्ट वन प्रेस करो। ए सी की प्रेस करने के बाद अगेन शिफ्ट वन प्रेस करो, ऑप्शन फाइव पे लिखो नजर आ रहा होगा रिग्रेशन, उसमें आओ। रिग्रेशन में आओगे तो ऑप्शन थ्री पे लिखो नजर आ रहा होगा आर, दबाओ आर को, दबाओ आर को। कितना बनता है? बनता है 0.9799। हाँ मेरे बच्चों बोलो, बनता है नहीं बनता है? यस सर,
बिल्कुल अली, पूछो तुम लोग आगे कैलकुलेटर पे निकालना। अहमद आपने को डेटा पुट कर, देखो बच्चों बहुत से बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, बहुत से बच्चे क्या डेटा पुट करते हैं जिनका जीरो या चेंज आता है आंसर, वो मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ डाल रहा है वैल्यू, यहाँ वैल्यू डाल रहा है एक्स में, उसके बाद वो एरो दबाता है, इस वाली रॉ में आता है और इस वाली रॉ में वैल्यू डालना शुरू करता है वो यहाँ से, तो यहाँ सब जीरो जीरो आ रहा होता है और इसके अगेंस्ट यहाँ जीरो जीरो आ रहा होता है, जबकि हमने वैल्यू ये इसके बाद नहीं डालनी, हमने ये एक्स में आकर यहाँ आने के बाद ऊपर का एरो दबाना है और वैल्यू यहाँ से पुट करनी शुरू करनी है दोबारा से। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ ये एरो दबा के वाई की रॉ में स्विच करते हो तो आप वैल्यूज यहाँ से डालना शुरू करते हो मेरा बेटा, ये देख लेना, हमने यहाँ से डालनी है, यहाँ से नहीं डालनी वाई में वैल्यूज, ठीक है? बिल्कुल मुनव्वर, कैलकुलेटर से यूज करने से आंसर निकालोगे, पेपर के अंदर भी टाइम सेव करोगे, अपना अपना टाइम सेव करोगे तुम लोग। जबरदस्त मेरा बेटा, नहीं नहीं अली कंप्यूटेशन जरूरी नहीं होती करना, लेकिन हम इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल कंप्यूटेशन करने से सॉल्व होते हैं, कैलकुलेटर से सिर्फ ओनली 20% सवाल सॉल्व होंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेटर से ओनली 20% सवाल सॉल्व होंगे, मुझे मैनुअली ज्यादा वर्क करना है। Q और M मतलब ऐसे नहीं है, अरे ये तो अभी कुछ भी नहीं है, मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कैलकुलेटर की। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा सिनिया, मैं QM बिल्कुल इतना इजी करके पढ़ाऊंगा कि आप लोगों की सोच है, मुश्किल टॉपिक को लोग मुश्किल करके पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो डर के रहे, अल्लाह के करम से मुश्किल टॉपिक को बहुत इजी करके पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक। थैंक यू अलमा, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन पूरा चैप्टर है बेटा, सही है। अच्छा किसी ने मेरे फेसबुक पे रिव्यूज देखे जो पास स्टूडेंट ने मुझे रिव्यूज दिए हैं पढ़ने के पेपर अटेम्प्ट करने के बाद? अहमद मुझसे जो है ना व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, इस साइड टेक्स्ट में देखिएगा। सनिया कौन कहाँ देखे आपने रिव्यूज, वो तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट किए, मैं फेसबुक पे देखे मेरी प्रोफाइल पे। जजाक अल्लाह बेटा, जजाक अल्लाह, चलिए जबरदस्त। कौन से इंस्टीट्यूट के बच्चों ने सीख सुन ली इल्मा? जबरदस्त सुनिया, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चलो बस इसी तरह से बच्चे मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं इसी तरीके से उनके साथ के साथ मेहनत करता हूँ। सेट है एलमा, सेट है। नहीं नहीं पैकअप नहीं करें भाई, पैकअप कहाँ है अभी, तो अभी बहुत टाइम है भाई। हाँ राफे बस छोटा भाई है समझ लो मेरा, सही इल्मा सही।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, बहुत से बच्चे होते हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी होती है फेसबुक के ऊपर, तो क्योंकि अननोन होता है तो मैं जानता नहीं हूँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है हमारे क्लास का जिसने मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी हुई है तो जो है ना वो मुझे वो बता दो, मुझे मैसेज कर दो उसमें ना मैसेंजर के ऊपर, तो फिर मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा। सेट है, सेट है बेटा, सेट है। बस मुझे टेक्स्ट कर दो, मुझे ना मुझे वो कर दो और मैसेंजर कर दो कि जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है तो फिर उनकी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना सर? ये अंडर रूट के बगैर प्लस माइनस होता है ना, फरीन में समझा नहीं, फरीन दोबारा बोलो, मैं समझा नहीं बेटा। अरे मुनव्वर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, जो QM से डराते हैं उनका काम है लोगों को डराना और लोगों को डरा के पैसे कमाना। और एक बात और बताऊं मुनव्वर, एक बात और बताऊं, जिसको चीजें नहीं आती होंगी ना वो दूसरे को ऐसी तरह से पढ़ाएगा कि चीजें बहुत डिफिकल्ट हैं, बस सारा गेम ये है, सारा गेम जो है ना वो डिलीवर करने का है, क्या है आप आगे कॉन्सेप्ट डिलीवर किस तरह से करते हो। वाह वाह सुफियान, जबरदस्त। बिल्कुल फरीन, बिल्कुल मुनव्वर, वेरी गुड, अच्छी अप्रोच है ये, नहीं बताना, कोई पूछे तो बोलना मैं स्टडी कर रहा हूँ, लोग नजर भी लगाते हैं पता है। तो आप लोग CA कर रहे हो, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बस चुपचाप CA करते रहो, घर वालों में दोस्त अहबाब में लोग शोर मचाते हैं भाई हम CA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं। नहीं यार, नहीं, टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत बाकी है। बिल्कुल अलमा, जेलसी वाला फैक्टर बिल्कुल होता है, तो ना आप लोग बस सेट है मुनव्वर, अभी तो टॉपिक बहुत बाकी है बेटा। हाँ बिल्कुल फरीद, सनीहा कल का टॉपिक मैं प्रोबेबल एरर पढ़ाऊंगा इसके अंदर, ठीक है ना? प्रोबेबल एरर पढ़ेंगे और फिर रैंक कोरिलेशन वगैरह की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो प्रैक्टिकल बस जल्दी शुरू हो जाए बेटा, मैं भी यही दुआ करता हूँ कि प्रैक्टिकल जल्दी शुरू हो जाए। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं आयान, आज के लिए इतना ही रखते हैं बस, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से ना कल मुलाकात करेंगे। बिल्कुल सिनिया, यही तो काम है, यही तो असल गेम है, पहले जाके सिनिया वीडियो देखना, वीडियो के मैंने स्टार्ट में कुछ बताया हुआ है प्रोबेबल एरर के बारे में, यूट्यूब पे वीडियो में कुछ मैंने बताया हुआ है प्रोबेबल एरर के बारे में, तो पहले वो देखना। क्योंकि निशा जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते, टीचर्स की बातें फॉलो नहीं करते, उनके पेपर्स रुकते हैं और उनके पेपर रुकने की वजह से वो आगे आने वाले हर बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं, आगे आने वाले हर बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके खुदामा, बिल्कुल पास हो जाएगा अहमद। नहीं, अब बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्या निशा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबल एरर, कल नमाज के बाद होंगी क्लासेस। मेरी क्लास तो नमाज के बाद होगी, बाकी का पता नहीं, ठीक है ना? चलो बस फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात करते हैं, यूट्यूब पे प्रोबेबल एरर की वीडियो चेक कर लेना मेरी, ठीक है ना? अल्लाह हाफिज।
वेरी गुड इल्मा, वेरी गुड, अल्लाह हाफिज।